ये देखें भाई, जेल के खाने में यहाँ पर गरम गरम बीफ बर्गर। सेल नंबर थ्री। सेल नंबर थ्री देखें भाई, सेल नंबर थ्री। इधर बैठ के हमने खाना खाना है। सुबह बखैर। अभी सुबह सुबह ही मैं पहुंच गया हूँ जद्दा में। मेरी फ्लाइट है दमाम के लिए और आज पहली बार मैं इतना अरसा हो गया सऊदी अरेबिया में रहता हूँ तो सऊदी एयरलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। दमाम में खुबर रेंजर्स ने अपनी किट्स तकसीम करने की एक तकरीब रखी हुई है तो वो उस तकरीब के लिए मैं जा रहा हूँ और बाकी खुबर वगैरह घूमेंगे फिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आपको एक और खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। हमेशा की तरह जब भी डोमेस्टिक ट्रैवल होता है यहाँ पर गाड़ी में छोड़ के जाता हूँ। लॉक कर दें भाई, दो दिन गाड़ी खड़ी रहेगी। और अपना बैग लें भैया, यहाँ पर नमी बड़ी ज़बरदस्त है जद्दा में। और आगे जहाँ पर दमाम जा रहे हैं वहाँ पे भी नमी होनी है। अभी कैब से उतरे हैं, ऐसे ग्लासेस धुंधले हुए हैं, थोड़े से वापस साफ हो रहे हैं। और यहाँ पर आते साथ एक खबर मिली है कि हमारी फ्लाइट डिले है। ये भाई, हम लोगों ने ऑनलाइन चेक इन कर लिया हुआ और बस इंतज़ार कर रहे हैं। बोर्डिंग 12:15 पे स्टार्ट होगी, अभी 1.5 घंटे रहते हैं, जाके कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और यहाँ से बोर्डिंग नहीं करवाई मैंने, ये बैठने की अच्छी जगह है भाई। यहाँ पर एयरपोर्ट में जैसे आप बोर्डिंग करवा के इंटर होते हैं, गेट ही नहीं खुलता अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जा रहे हैं। तो अभी वो इंटरनेशनल था जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, गेट ही नहीं खुला। डोमेस्टिक, दिस इज नॉट डोमेस्टिक। ओ लगता है आज मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है, दो बार मैं इंटरनेशनल की तरफ चला गया, गेट नहीं खुला। बोर्ड पढ़ता था मुझे डोमेस्टिक नजर आता था लेकिन फिर वो इंटरनेशनल निकलता था। अब भैया गेट्स के पास आ गए हैं, यहाँ से लेते हैं शोरमा और यहाँ से लेते हैं कॉफ़ी। बल्कि पहले कॉफ़ी ले लें। अपना सैंडविच का ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कहा 7 मिनट में बना के देंगे, फिर जाके लेते हैं उनसे और हल्का सा नाश्ता करते हैं। वैसे फ्लाइट में भी मील है हमारे पास। अच्छी है नॉर्मल शोरमा और ये मिली है मुझे 7 रियाल की। अच्छी पैकिंग, अच्छा टेस्ट, नॉर्मल जैसे शोरमा बाहर मिलती है। ये हमारा जहाज़ भाई तैयारी पकड़ रहा है, तैयार हो रहा है। देखें सऊदी अरेबिया और दुबई के एयरपोर्ट्स में नमाज पढ़ने का एरिया बहुत ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह। देखें कैसा ज़बरदस्त मुनज़्ज़म खूबसूरत मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप कैसा रहा सफर? जबरदस्त सर, बाइक कर दी लोगे पता ही नहीं चला। हाँ जी, सामान वामान लेकर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही है। ये हमारे जुहेब अली भाई हैं और ये मुझे होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, एक साल हो गया तकरीबन लास्ट टाइम जब मैं आया था। आप तो इसमें आए थे ना, ये क्या था, ये रेस्टोरेंट? हाँ रेस्टोरेंट के लिए मैंने देखा था आपको। तब भी गर्मी ही थी तकरीबन। अभी कैसा मौसम है? अभी तो ज्यादा गर्मी है अगस्त हमेशा ये समंदर के इर्द गिर्द जो है ना मुश्किल होती है। अच्छा जी, अभी हम लोग खूबर कुरनेश के पास आ गए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब किस्म का रेस्टोरेंट है, आपको दिखाते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम सेल 9। सेल से आपको समझ आ गई होगी, भाई की वर्दी देखें। ये देखें भाई,
यहाँ पर ये काम करते हैं, अंडर अरेस्ट है ना। हाँ, अंडर अरेस्ट करके ना। ये तो बच्चों वाली है। बहुत टाइट है। सेल नंबर थ्री। सेल नंबर थ्री। देखें भाई सेल नंबर थ्री। इधर बैठते हैं हमने खाना खाने। लें भाई, बैरक नंबर थ्री वाला। तो ये यहाँ पर इस तरह का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। मैं किसी के लिए और अपने लिए भी बिल्कुल तमन्ना नहीं करता कि ऐसी जगह पे जाएं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बनाया है इन्होंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पर भाई को देखें, यहाँ पे बैठे हैं ना ये सारे सेल बने हुए, बीच में पूरा वो डिवाइड वगैरह किया हुआ है, इस तरह से टेबल बना के रखी हुई है इन्होंने। हेलो। ये देखें जेल वाली वर्दी भाई ने पहनी हुई है, और इधर देखें ये सारे ना बैरक बनाए हुए हैं इन्होंने। देखें इस तरह से अंदर देखें वो टेबल बनी हुई है, और ये जब आपको खाना दे देते हैं तो यूं बंद कर देते हैं, आप अंदर बैठ के खाना खाते हैं। इधर ओपन एरिया में भी आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और इन्होंने देखें, ओ यू हैव गन आल्सो। ओके। और इस तरफ आपको आगे भी टूर दूं, देखें ये सारे सेल टाइप बने हुए हैं इस तरफ पूरे, और अंदर टेबल्स लगी हुई हैं। इस तरफ इनका रिसेप्शन एरिया आई थिंक। देखें आप अंदर बैठ के बाहर ऑर्डर देते हैं। ये देखें भाई इनके ड्रिंक का नाम गन्स एंड रोजेस, और यहाँ पर देखें एरिक प्रॉब्लम्स, ये ड्रिंक के नाम है। तो देखें इन्होंने ना वही जेल वाला सेल 9 स्पेशल का कुछ है, तो इस तरह का इनका मेन्यू भी उसी टाइप का बना हुआ है। थैंक यू। ये देखें भाई जेल का खाना। थैंक यू। ये देखें भाई जेल के खाने में यहाँ पर गरम गरम बीफ बर्गर, और यहाँ पर एरिक प्रॉब्लम्स। ये जूस है। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। इस जेल की सबसे अच्छी बात मुझे एक ही लगी है कि जब मर्जी दरवाजा खोल के चले जाओ। और जेलर्स को बुला बुला के हम अपनी वीडियो पिक्चर्स भी बनवा सकते हैं। हाँ, जेलर के साथ मस्तियां कर सकते हैं, और जेलर को टिप भी दे सकते हैं। वो करप्शन में शामिल नहीं होती। वरना बाकी सेल 3 में चले जाएंगे। ये देखें भाई ये बर्गर है हमारा, और सिंपल क्लासिक बीफ बर्गर हम लोगों ने लिया। इसको ट्राई मारें फटाफट। अच्छा है बर्गर। देखें भाई फुल धुंधले हो गए हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट से निकलते ही, एकदम जो है ना चश्मे की हालत। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अब जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ इंशाल्लाह, जहाँ पर मैंने स्टे करना। ओ भाई ये ले ये भाई, हम लोग आ गए अपने होटल में। इधर से आपको दमाम का व्यू नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इधर हम रेस्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। चलें भाई अभी जा रहे हैं हम लोग जो इमेट है जिसके लिए हम लोग आए हैं, उस इमेट की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। फुल लाइसेंस। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह शर्ट पहन ली है आपने। नई जो किट्स जिसे आज पाकिस्तान की नई किट्स आई हैं वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा। सीजन में हमारी भी नई किट्स लॉन्च हो रही हैं इस नए सीजन के लिए। सही, ये नई वाली किट पहनी है आपने? ये सीजन की जबरदस्त। तो आज ये वाली किट्स लॉन्च भी होने वाली हैं और तकसीम भी की जाएंगी। ये सही है, ये हमारे जो है पाकिस्तान से ही आई है बनकर। अच्छा जबरदस्त। चलें जी यहाँ पर इवेंट की लोकेशन पे आ गए। और शाहजी कब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर लीग, कब स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह देखें अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने का इरादा है, और इसी की सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है किट डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। लोग आना भी शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये इवेंट देखें इनकी नज़रों से। तो अल्लाह आई होप कि पसंद आए सब लोगों को। अब्दुल मारिफ साहब ऑन द स्टेज प्लीज। अब इवेंट ख़त्म हो गया भाई, अब क़याम हो ताम, नहीं क़याम तो नहीं है, ताम का जो है ना टाइम हो गया। माशाल्लाह यहाँ पर सैलडीज वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी कबाब, और इस तरह ये कौन सी राजस्थानी हांडी, चिकन राजस्थानी हांडी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, चना और नान। चलें जी भाइयों को मैंने ज्वाइन किया और अपनी प्लेट बना ली है, यहाँ पर हमारी प्लेट में है नान टिक्का सलाद रायता वगैरह बिरयानी कबाब,
और ये राजस्थानी हांडी। चलें जी, इवेंट से होके आ गए, बड़ा मजा आया। और वहां पर आज हमारे शाह जी और दूसरे भी काफी मेहमान, काफी दोस्त आए हुए थे, जो कि खुबर रेंजर्स की टीम थी, मैनेजमेंट और सब मिला के काबिल एहतराम सब लोग। उन्होंने एप्रिसिएशन अवार्ड्स वगैरह दिए अपने स्पॉन्सर्स को भी, और उसके अलावा प्लेयर्स को शर्ट्स और अवार्ड्स और ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मुझे भी उन्होंने एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच खुबर रेंजर्स फॉर इन्वाइटिंग मी, और स्पेशली शाह जी, थैंक यू सो मच, आपने इन्वाइट किया। और उसके अलावा फिर खाना वाना खाया। तो मज़ीद मेरे खुबर जुबेल दम्माम वगैरह के व्लॉग्स देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, नीचे कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।